नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इट्स इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच डी इज पैरेलल टू ए बी। अब यहाँ पे डी इज पैरेलल टू ए बी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि हम कौन सी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन यूज पी पी डी हियर, क्योंकि अगर हमारी ये दो साइड्स पैरेलल होती है ना एक दूसरे के बिल्कुल, तो देन वी कैन अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और वो क्या स्टेट कर दिया, दैट दिस वैल्यू ओवर दिस वैल्यू वुड बी इक्वल टू दिस टू रेशियोज। हमारे रेशियोज इक्वल होंगे बिल्कुल लेफ्ट साइड और राइट साइड से। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है, वी हैव एज ई सी, सॉरी राइट साइड पे वी हैव ई सी, ई सी ओवर ई बी लिखोगे। राइट साइड पे आप क्या लिखोगे, यू विल राइट ई सी के प्रोपोर्शनल डी सी होगा एंड नीचे क्या होगा ए डी। ठीक है, अब यहाँ पे ई सी की वैल्यू इज एक्स, ई बी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 3x+4। राइट साइड पे आपने डी सी की वैल्यू पुट करनी है विच इज x+3, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3x+19। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे, x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x+19 से, और राइट साइड पे क्या होगा 3x+4 विल गेट मल्टीप्लाइड विद x+3। अब आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद बोथ द टर्म्स, तो इट विल बिकम 3x² + 19x। राइट साइड पे हमारे पास क्या होगा 3x², 3x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 9x। फिर उसके बाद आपके पास क्या होगा 4x, नेक्स्ट वैल्यू वुड हैव इज 12। 3x² से 3x² कट गया हमारा, x की सारी वैल्यूज को हम एक तरफ ले जाते हैं, सो इट विल बी लाइक 19x - 9x विच इज 10x, 10x में से 4x गए 6x, 12 आ गया। x की जगह हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 12/6 विच इज